अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन चंगेजी की रेसिपी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको मेरी चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मेरी रेसिपी की तरफ। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, हमने यहाँ पे इन सारे मसालों को लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लाल मिर्च का लिया है, आधा चम्मच धनिया हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने जीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच से थोड़ा कम कूटी हुई काली मिर्च है, नमक स्वाद के अनुसार। 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 चम्मच ही मैंने दही लिया है। सारे मिला के मैंने इसे मैरिनेट कर लिया। अब इसमें गैस स्टोव में मैंने एक कढ़ाई रखा है, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और मैरिनेट किए हुए चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। हमें चिकन को लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम में हम इसे 2 से 3 मिनट पका लेंगे, उसके बाद हम स्लो कर देंगे। स्लो करने के बाद हम 5 मिनट तक इसे स्लो में पकाएंगे, फिर हम इसे पलट लेंगे। पलट के फिर सेम प्रोसेस है, स्लो फ्लेम में हमें फिर से 4 से 5 मिनट कुक कर लेना है, उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम नहीं करेंगे। इस तरह से हम पलट के फ्राई कर लेंगे, इस तरह से कलर आ जाएगा चिकन के ऊपर। अब हम सारे चिकन को निकाल लेंगे। इसी तरह से जितने चिकन है हमारे सारे चिकन को फ्राई कर लेंगे। एक दूसरे पैन में मैंने यहाँ 2 से 3 चम्मच मैंने बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया है। 1 बड़ा साइज का प्याज को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था, अब उसे हम ऐड कर देंगे। इस तरह से लाइट ब्राउन करेंगे हम। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज का टमाटर का प्यूरी मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड करके हम ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट बना के ऐड करेंगे हम। इसे हम 1 से 2 मिनट भून लेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हम इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़रूरत अगर पड़ा तो बाद में आप इसे चख कर ऐड करेंगे नमक। अब हम इसकी लिड लगा के 1 से 2 मिनट हम मीडियम फ्लेम में पका लेंगे। हमारा टमाटर जो है फ्राई हो गया है, भुना गया है। अब हम उसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चम्मच से थोड़ा कम धनिया पाउडर है, आधा चम्मच लाल मिर्च है, आधा चम्मच ही मैंने कश्मीरी मिर्च लिया है, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच है, हल्दी पाउडर थोड़ा सा है और जीरा का पाउडर भी आधा चम्मच है हमारा। इसे हम 1 मिनट तक भून लेंगे, स्लो फ्लेम में भूनेंगे, नहीं तो हमारे सूखे मसाले जल जाएंगे। मैरिनेट किए हुए जो मसाले हमारे बचे हुए थे, थोड़ा सा पानी ऐड करके हम उसे भी मसालों में ऐड कर देंगे। हम उसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें ऐड करके हम उसे 2 मिनट भून लेंगे। अब हम इसमें 10 से 12 मैंने साबुत काजू लिए थे, 10 से 12 साबुत बादाम लिए थे, उसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसे भून लेंगे, 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम में हम भूनेंगे। 1 कप के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाले जो है अच्छे से भून जाए। अब हम इसकी लिड लगा देंगे, स्लो फ्लेम में हम इसे भूनेंगे मसालों को। देखिए बीच बीच में मैंने इसे चलाया था, इस तरह से हमारा मसाला भून जाएगा अच्छे से। हमारा मसाला भुन गया है, अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आप अपने आपको जितना ग्रेवी रखना है आप अपने अंदाजे से इसमें पानी ऐड करें। थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे हम इसमें, अच्छे से सारे मसालों को हम ऐड कर देंगे। साइड में जो मसाले लगे रहते हैं सारे मसाले को हम निकाल के ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर दिए। 1 कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे इसकी लिड लगा के।
देखिए मैंने दो हरी मिर्च इसमें ऐड किया है, इसके लिड लगा दिया है, थोड़ा सा गर्म हो गए हैं। अब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप इसमें क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास दूध की मलाई रखी हुई थी, मैंने इसमें मलाई ऐड किया है। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें मलाई ऐड करेंगे हम। इसे अच्छे से मिला लेंगे, इसके लिड लगा देंगे हम। बॉयल आ जाएंगे तो इसमें हम सारे चिकन को ऐड कर देंगे। अच्छे से डालेंगे, नहीं तो इसके छींटे उड़ेंगे। आराम से हम इसमें ऐड कर देंगे सारे चिकन को। अब हम इसकी लिड लगा के बॉयल आने तक मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। उसके बाद स्लो फ्लेम में हम इसे 10 से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम में अच्छे से पका लेंगे, ताकि हमारा चिकन 100% कुक हो जाए। देखिए मैंने 10 से 15 मिनट इसे स्लो फ्लेम में कुक कर लिया। इसमें अब हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसमें चिकन चंगेजी में कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मैंने तवा में थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लिया था और हाथों से क्रश करके हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें अब हम कोयले का धुआं देंगे। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। इसमें अब स्मोकी फ्लेवर के लिए कोयले का धुआं देंगे हम, और 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसकी लिड लगा के रख देंगे। देखिए अब हम इसमें से निकाल लेंगे कोयले। कोयले को मैंने इसमें निकाल लिया है। हमारा चिकन चंगेजी रेडी है। देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है, कितनी बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही लाजवाब बनती है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करना और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करना। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी बनी है। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।